आपको अपने आप को खा दो। मैं एक्चुअली बाहर इस वजह से नहीं बना रहा था कि हालत देखें, फुल कटोरा बना हुआ है, साइड से देख लें। अब ये 40 दिन बाद मिलेंगे। 40 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, 100 डेज ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज में कैसे बदल गया। सबसे पहले तो मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल तरीन दिन थे। कुछ दिन खुद जिम करने के बाद मैंने जिम भी चेंज कर लिया और अपने ट्रेनर भी हायर कर लिया। तो आज की गेम लगाने के बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों की कंडीशन भी क्या है। हाँ जी, तो आज 25 दिन हो गए मुझे, ठीक है। 25 दिन बाद का रिजल्ट देखता हूँ क्या है। 25 दिन तक मैंने शर्ट नहीं उतारी थी, चेक करने के लिए भी देखेंगे कि मैं तरंग आ भी रही है कि नहीं आ रही। 25 दिन हाँ से मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म होना सही शुरू हुई। काशिप भाई ने जैसे मुझे गेम लगवाई और मेरे साथ मेहनत की, बहुत कम ट्रेनर ऐसे मेहनत करते हैं। काफ़ी अंदर हो गए, लिप्स भी क्लियर हो रही है और हम देखते हैं बैक गेम। पर सिर्फ मेहनत की अगर बात हो तो सिर्फ मेहनत से बॉडी नहीं बनती, बल्कि आपको डाइट भी लेनी पड़ती है। और जो मैं डाइट फॉलो कर रहा था, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ। अच्छा, तो जो मेरी डाइट है, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। एक तो ये मैंने 70 ग्राम जो था ना लिए थे चावल, और वो उस टाइम उबले हुए नहीं थे, उसको उबालना बाद में। हाफ मैंने अभी दोपहर के टाइम ले रहा हूँ। 400 ग्राम मैंने चिकन लिया था, आधा मैं अभी खाऊंगा, और दर्जन मैंने अंडे लिए थे, 4 मैं अभी खा रहा हूँ। 4 अंडों की जस्ट मैं एग वाइटनेस खाऊंगा, इसकी जो होती है जर्दी, ये जर्दी मैं निकाल के रख देता हूँ। सिर्फ और सिर्फ एग वाइटनेस लेनी है। इसके बाद मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा टफ दिन शुरू हुए और 10 दिन बाद की सूरत हाल आपके सामने है। ये जी फाइनली ये पैक्स अब नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। और पहले देखते हैं रिंग्स की कंडीशन है, रिंग्स भी और क्लियर हो गए। प्रेशर देखते हैं, प्रेशर प्रॉपर ही देखें, अभी ये अच्छी खासी चीज़ आ गया हुआ है।
भाई साहब देखते हैं, कमल भाई साहब भी हो गया ठीक है, अभी फिर आए थे कमल। इतनी बॉडी अचीव करने के बाद जो मेरा आखिरी हफ्ता था उसमें मैंने पानी की इनटेक थोड़ी कम कर दी, एक्सरसाइज ज़्यादा कर दी, सिर्फ जूसेस के ऊपर आ गया और मैंने जितनी मेहनत कर सकता था उतनी की, कमज़ोरी तो होगी लेकिन मैंने फाइनली अपना गोल अचीव कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ट्रांसफॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और बताइएगा कि अगर आपने ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ।